यूपी में चुनावों के नजदीक आते ही शीत युद्ध छिड़ गया है। एक दूसरे पर तीखे बाण चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ट्विटर की भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। इस बयान को लेकर लोगों ने योगी को खूब घेरा था और अब योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार एक ऐसी भाषा के साथ कर दिया जिस पर बवाल मच गया है। योगी ने केजरीवाल को ट्वीट में सुनो केजरीवाल कर कहकर संबोधित किया और फिर क्या था, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इसको लेकर रवीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। ट्विटर पर सुनो युद्ध छिड़ गया है योगी और केजरीवाल के बीच। यूपी के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनो केजरीवाल संबोधित किया है। निश्चित रूप से भाषा उचित नहीं है। क्या प्रधानमंत्री, जो खुद को लोकतंत्र और संघवाद का चिंतक बताते हैं, इस भाषा पर एतराज जाहिर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि बिना यह सब किए स्टेट्समैन बन जाया जाता है। योगी जी की भाषा निश्चित रूप से तीन तीन बार मुख्यमंत्री चुने गए संवैधानिक व्यक्ति को बुरी लग सकती थी। अब उन्होंने भी सुनो योगी कहकर संबोधित कर दिया। इसके अलावा केजरीवाल के पास क्या विकल्प था, अपने सम्मान की रक्षा में लिख गए? नहीं लिखते तो अच्छा ही रहता। मगर योगी जी बताएं कि इस भाषा से संबोधित करने का ख्याल कहां से आया? क्या ये बीजेपी की सामूहिक रणनीति का हिस्सा है ताकि गर्मी वाला विवाद पैदा हो और बहस छिड़ जाए? वैसे योगी जी ने सुनो उद्धव नहीं कहा, अब इस एंगल से देखेंगे तो खेल समझ आएगा। क्या उनकी नज़र में केजरीवाल हल्के हैं जो उन्हें इस भाषा से निशाना बनाया गया है? एक ही बात के लिए सुनो उद्धव नहीं, सुनो शरद पवार नहीं, लेकिन सुनो केजरीवाल। प्रधानमंत्री ने देश और योग को बदनाम करने के नाम पर विपक्ष पर हमला बोला। क्या इसीलिए किया गया क्योंकि पश्चिम यूपी में मतदान करीब आ गया है और माहौल में गर्मी नहीं आ सकी है, भाषण में जोश नहीं आ रहा और कार्यकर्ता ठंडा पड़ा हुआ है? क्या उसमें जोश पैदा करने के लिए नेतृत्व पर हमला या विपक्ष पर हमला जैसा जाल बुना गया है? आखिर में रवीश लिखते हैं, पहले चरण में पश्चिम यूपी में जिस तरह से संयम का परिचय दिया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। पश्चिम किसी को वोट करे, लेकिन वोट से पहले हिंदू मुस्लिम मैच को ठुकरा दिया गया है। इसमें बड़ा योगदान राकेश टिकैत का है। अब टिकैत से हार कर बीजेपी तरकश से एक और पुराना तीर निकाल रही है, मोदी बनाम शेष का तीर। कमाल है, लेकिन ये मैच क्या सुनो केजरीवाल बनाम सुनो योगी के रूप में खेला जाएगा? सुनो जनता, ये बहुत दुखद है। इस ट्विटर वॉर पर लोगों ने भी जमकर योगी सरकार को घेरा है। नदीम राम अली नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि यह सब याद रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस मंजर को कभी नहीं भूलेगी और आपको विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। विनोद कापरी ने भी इस पर ट्वीट कर कहा कि 8 साल में राजनीतिक नेताओं का विमर्श इस घिनौने स्तर तक पहुंच गया है कि दो मुख्यमंत्री खुलेआम एक दूसरे के लिए गली छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री राज्यपाल को ब्लॉक कर रही हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं गिराई होती तो ये सब देखना नहीं पड़ता। अमित मिश्रा लिखते हैं कि सुनो योगी, गंगा में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी, लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे। उनकी मदद करने की जगह योगी सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इनके फर्जी प्रचार की पोल गंगा मैया ने खोल दी। जिस राज्य में मृतकों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, वो आज दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। सरिता सिंह लिखती हैं कि योगी के मंत्री ही ट्विटर पर गुहार लगा रहे थे, ये अपने मंत्रियों तक को अस्पताल ऑक्सीजन नहीं दिला सके, अब राजनीति करने आ गए गिद्ध। सरिता आनंद ने ट्वीट कर कहा कि सुनो योगी, जो लाशों पर भी सियासत करे वो क्रूर शासक हो तुम, शर्म मगर तुमको आती नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।